हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो इससे पहले मतलब दो दिन पहले ही मैं कम्युनिटी टैब में गया था कि आप लोगों को क्या एक क्यू एंड ए वीडियो चाहिए। तो उसमें ये आया था सबसे ज्यादा परसेंटेज और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी आया था, तो उसी का मैं आज आंसर करना चाहूंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से पूरा देखिए। अच्छा अच्छा कॉमेंट आया था और अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आया था, तो इसी की वजह से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। मतलब मेरा ये फर्स्ट क्यू एंड ए वीडियो है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसा वीडियो मैं पहले कभी भी नहीं बनाया हूँ, तो इसी की वजह से थोड़ा बात करते। तो इस फोन से मैं क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो है तनिष शर्मा। तो तनिष शर्मा भाई ने क्वेश्चन किया है कि प्लीज रिप्लाई व्हिच इज योर फेवरेट टीम ऑफ आईपीएल। मतलब मेरा फेवरेट टीम आईपीएल का कौन है, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि मुझे रोहित का खेल पसंद है, मुझे धोनी का खेल पसंद है, मुझे कोहली का खेल पसंद है, उसके साथ बेन स्टोक्स को मुझे देखना पसंद है, उसके साथ मुझे रसेल का गेम अच्छा लगा है। तो आप ही बताओ कि मैं कौन से टीम के पास जाऊँ। मतलब मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है ये इंडियन प्रीमियर लीग देखने को। मैं एक भी मैच मिस नहीं करता हूँ, पूरा मैच देखता हूँ। मतलब जब से शुरू होता है तब से लास्ट तक देखता हूँ और बहुत ही बढ़िया तरह से मुझे अच्छा लगता है। तो इसी की वजह से मैं कोई भी टीम का ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन अगर बोला जाए कि एक छोटा सा हर्ट का जुड़ा हुआ है तो आरसीबी के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आरसीबी का। लेकिन मुझे सभी टीमों का खेल देखना बहुत ही पसंद है। मतलब जब धोनी उतरता है ना तो अपना दिल थोड़ा क्या बताए, आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। तो ये क्या बताइए, मतलब कोई बताने वाला क्वेश्चन नहीं है कि कौन सा टीम को मुझे पसंद है। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि आरसीबी के ऊपर थोड़ा सा वीक जोन है, लेकिन उसमें क्या बताए, सभी टीम एक समान मुझे लगता है। तो उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आया है वो किया है सैम। तो सैम भाई ने क्वेश्चन किया है कि ब्रो तुम कहाँ से हो, मतलब मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, मतलब कलकत्ता से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यही है कि मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन क्या है वो है गोपाल, गोपाल नामक एक भाई ने, और वो लिखा है कि भाई आपका मतलब आपके मुताबिक टॉप फोर टीम आईपीएल का कौन कौन सा टीम हो सकता है, और इसमें रियान सहीद नामक एक भाई है वो कमेंट किया है कि भाई आई थिंक हमेशा सीएसके और मुंबई मतलब एमआई प्लेऑफ्स में आता है और ये टाइम दूसरा टीम आना चाहिए, जैसे कि पीवीकेएस, आरआर, आरसीबी। मतलब रियान भाई ने बताया है कि उनके मुताबिक कि सीएसके मुंबई ये तो हर बार ही आता है, तो इसी मतलब इस साल कोई अगर नया टीम आता है प्लेऑफ्स में और अच्छा खेलता है और ट्रॉफी ले जाता है तो ये अच्छा रहेगा। तो इनके जो कमेंट है इन पर मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो बताया है ये बहुत ही सही बताया है, क्योंकि हर साल तो मुंबई तो 5 ट्रॉफी ले लिया है, सीएसके का 3 है, मतलब और कितना चाहिए। तो इसकी वजह से मुझे भी लगता है कि पंजाब किंग्स से आरसीबी है और उसके साथ राजस्थान रॉयल्स से, फिर भी राजस्थान तो एक कप लिया है, दिल्ली है, ये सब टीम अगर जाता है तो मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा। लेकिन अगर बताया जाए कि कौन कौन सा टीम इस साल जाने वाला ही है तो मुझे लगता है कि मुंबई श्योर शॉट जाने वाला है, उसके साथ चेन्नई का मैं अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि चेन्नई का सभी खिलाड़ी जो इंटरनेशनल नहीं खेलता है वो अभी कैसा फॉर्म से जा रहा है वो अभी तक नहीं बताया जा सकता है, तो इसी की वजह से उनका थोड़ा सा ठीक से नहीं बताया जा सकता। लेकिन मुंबई के साथ जा सकता है पंजाब किंग्स अच्छा अगर खेल लेता है तो पंजाब किंग्स जाएगा ही जाएगा, और उसके साथ मुझे लगता है कि आरसीबी का थोड़ा सा चांसेस रहता है टॉप फोर में जाने के लिए। और एक बार लास्टली मैं जिस टीम को पिक करूंगा वो है सनराइजर हैदराबाद। तो मुझे लगता है कि ये चार टीम अगर जाता है तो इसमें मैं हैरान नहीं हूंगा, क्योंकि ये चार टीम के पास कैपेबिलिटी है कि वो लोग लास्ट तक जाए और खेले अच्छी तरह से। तो मुझे लगता है ये चार टीम हो सकता है। तो कौन कौन सा टीम हो सकता है, मुंबई, सनराइजर हैदराबाद, आरसीबी और पंजाब किंग्स, तो ये चार टीम जा सकता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो है माधव यादव ने, ये क्वेश्चन क्या है माधव यादव ने क्वेश्चन किया है कि मैक्सवेल 2014 वाला दिखेगा। तो ये तो पता है नहीं लगता है, मतलब जा सकता है, क्योंकि मैक्सवेल जब भी आता है तो फ्लॉप ही जाता है, लेकिन
फिर भी मैक्सवेल का जो बिग बैश लीग के फॉर्म था और उसके बाद जो न्यूजीलैंड के साथ खेला था ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी मैक्सवेल बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया था। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि मैक्सवेल अगर आता है तो मैक्सवेल खेल सकता है अच्छा तरह से, मतलब बहुत ही बढ़िया कैपेबिलिटी है उनके पास मैच को निकालने का, लेकिन क्यों नहीं कर सकता वो ही जानता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो इस साल थोड़ा सा अच्छा करेगा और आरसीबी को 3-4 मैच जिताएगा, ये समझ लीजिए मुझे तो लगता है। तो लास्टली जो क्वेश्चन आया है वो है माधव यादव का ही क्वेश्चन आया है, तो वो बताया है कि क्या आरसीबी फाइनल को जीतेगा, मतलब फाइनल में जीतेगा। तो फाइनल में जीतेगा ये तो बताया नहीं जा सकता है पहले से ही, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचना पड़ेगा उसके बाद फाइनल। तो मुझे लगता है कि प्लेऑफ में जाने का दम है आरसीबी के पास, तो आरसीबी अगर फाइनल जीत भी जाता है तो मैं बहुत ही खुश हूंगा। और आरसीबी के पास जो प्लेयर्स लोग हैं ना, जैसे कि एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और मैक्सवेल, इन तीन खिलाड़ी में से अगर दो खिलाड़ी ही मतलब पूरा मैच हर दिन खेल लेता है तो इस टीम को हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि तीन खिलाड़ी में से मतलब तीनों ही बहुत ही बढ़िया और इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है। तो मुझे लगता है कि आरसीबी को मतलब इस साल तो अच्छा करना ही चाहिए, क्योंकि आरसीबी का बॉलिंग अटैक भी इस साल बहुत ही बढ़िया है और उसके साथ उनका जो मतलब बैटिंग ऑर्डर के टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो बॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है और टॉप ऑर्डर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो फिनिशर में अगर हमारा मैक्सवेल जी अगर अच्छा खेल देता है तो आरसीबी को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी की वजह से आज का Q&A सेशन इधर ही खत्म करते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन मतलब मुझे आप लोग क्वेश्चन किए इसमें मुझे बहुत आनंद हुआ है, मुझे बहुत मतलब हैप्पी फील हुआ है। तो आप लोगों के लिए शुक्रिया अदा हूँ, मतलब शुक्रिया आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुझे क्वेश्चन करने के लिए और मैं आंसर दे पाया इसके लिए। और आप लोगों को ये सब वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, मतलब ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसा ही वीडियो अगर डेली देखना चाहते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना आप लोग कुछ भी नहीं जाएगा, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।